जाने के लिए सबसे पहले इन दोनों ड्रेस में से मैंने डिसाइड करी अपनी ड्रेस के आज मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ। Hey everyone, this is me, Tausia Anha. I hope you all are doing great. Welcome back to our YouTube channel, Beautification by Anha. Inshallah, आज के व्लॉग को हम बहुत ज्यादा enjoy करने वाले हैं. I hope कि आप लोगों को पसंद आए. So guys, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है. सो गाइज, सुबह सुबह उठ के हम लोग रेडी हो चुके हैं और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं. आज मैं जा रही हूँ अपनी ननंद के वहाँ. क्यों जा रही हूँ आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद कहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम शूट कर लेते हैं आज का दिन पूरा कि हमने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया. तो आगे आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. तो वीडियो पे बनी रहिएगा. और जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये बैंगल्स डाल ली हैं, लाइट सा कर लिया है, मेकअप मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये सूट पहना है मैंने और ये मैंने ले लिया है दुपट्टा. सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए. यहाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं और उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे अपने फर्स्ट पेट्रोल पंप पे, जो भी हमें रास्ते में पड़ा, क्योंकि हम लोगों को अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराना था. नीचे करिए, 45 लीटर आया है, पूरा टैंक फुल हो गया आपका. क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? यानी कि 12 लीटर पहले का और भी है, 57 लीटर है ना, 57 लीटर का टैंक है. हो गया? नहीं हुआ, हो गया. स्लिप दे दीजिए, स्लिप चला जा. ₹3,975 का बिल आ गया हमारा. सो गाइज, संडे का दिन है, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है आज और हम लोग निकल गए हैं. एक तरह की आउटिंग भी हो जाएगी और हम जा रहे हैं अपनी दीदी के वहाँ, मेरी बड़ी ननंद के वहाँ. और हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका भी नया घर बना है और जिसके इनॉग्रेशन के लिए, उनका जो नया घर बना है उसके लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने घर पे डिनर पे. और छोटा सा उन्होंने अपना जो भी प्रोग्राम रखा था वो मॉर्निंग में था उनका. और लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, अब हम लोग को पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएंगे और इस वजह से अब वहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग, सबसे मिलेंगे और उनका घर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो रहते थे, अभी तक उन्होंने ऊपर अपना, मतलब हमें लंच नहीं कराएंगे. लंच कौन सा? आपने कहा ना डिनर पे बुलाया है, वो लंच नहीं करेंगे. लंच का ही हो रहा है, लंच और डिनर दोनों ही. मतलब हम लोग वहाँ पे पूरा दिन आज स्पेंड करने वाले हैं उनके साथ ही और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग. और तो वीडियो पे बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा. और आज का दिन मैं बहुत ही रैंडमली शूट कर रही हूँ, मतलब तो मैंने सोचा क्यों ना जब हम निकले ही हैं और संडे का दिन है और मौसम भी इतना अच्छा है तो क्यों ना आज एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ. और आज संडे का दिन है फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है ना, हमको पता नहीं हम लोग कब तक पहुँचेंगे उनके घर तक. हाँ, मैं आपके जाने ही हूँ. कह रहा नहीं तो फिर ड्राइविंग सिखाओगे? नहीं पक्का? हाँ, मंडे से क्लास नहीं ज्वाइन करानी मुझे? मैं तो नहीं बोल रहा कि आप करोगे ना करो, आपकी मर्जी. तो मुझे करनी है ना, अब आप बताओ आप कराओगे कि नहीं. मैं कौन होता हूँ कराने वाला भाई, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी सीखने की तमन्ना, तुम्हारा टाइम, मुझे थोड़ा ना जाना है. आप तो साथ में जाओगे ना कह रहे थे मेरे? नहीं नहीं जाओगे. हैं? ए सी रिसीव पे कॉल. हेलो हेलो, सत श्री अकाल आदाब. भाई आदाब, राहुल जल्दी आ जाओ यार. क्या हो गया? हाथ के रह गए. अरे दीदी, हम जाम में फंसे पड़े हैं संडे वाले दिन भी. हाँ तो है ही दीदी, का पूरे लोग बंद हो गया, लाल मुंह हो रहा है. क्या कर रहे हो? द्वारका एक्सप्रेसवे का ये नया पुल बनाया अभी, ये हाईवे कनेक्टिविटी है द्वारका रोड की. द्वारका का ये फ्लाईओवर, नया फ्लाईओवर बना है द्वारका का. ये वो वैसे दो महीने अभी 2 महीने नहीं हुए जिसे भी चालू हुए हैं. बाकी देखो हम जा रहे हैं रजोकरी लेफ्ट में, हमें लेफ्ट में मुड़ना है, इधर लेफ्ट में.
सो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और बस थोड़ा सा एक दो गली दूर है हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। फाइनली हम 12:57 पे पहुँच गए, 3 मिनट और लगेंगे और हम घर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए उतर गए थे और यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से बस हम लोग रुके हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। ये समझ लो घर के बाहर 2 से 3 मिनट ही लगेगा अब हमें उनके घर तक पहुँचने का, बस ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए इस रोड पर। ये रहा सामने दीदी का घर, पहुंच चुके हैं। आ गया ऊपर सब, चलो ऊपर आ जाओ, आराम से बैठ भी गए तो आ जाओ। यहाँ पहुँचते इनको लगी जोरों की भूख और इन्होंने कर दी खाने की फरमाइश। यहाँ पे खाने में था बिल्कुल पंजाबी वेडिंग स्टाइल वाला खाना जो एक्चुअली कुक से बनवाया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जो कि इसमें था पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, राइस, पूरी, हलवा और फ्राइड ग्रीन मिर्ची, जो खाने को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना रही थी। और वन ऑफ माय फेवरेट बूंदी का रायता साथ में, और प्लस सारा खाने का टेस्ट इतना ज़्यादा लजीज था कि आज से पहले वेज खाने में मैंने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। एक वैसा वैसा वाला इधर करते हुए ये और यहाँ सारे मिलके अभिषेक के साथ मस्ती करते हुए उसे छेड़ते हुए। ये क्या है? जो मम्मी है ना वो पूरी आ जाती है। ये कौन है? ये ऐश है, टुक टुक, ये टुक टुक है, ये टुक टुक का है जो जो, ये ऐश और ये ऐश, ये अभी की ऐश और ये टुक टुक का जो जो और ये टुक टुक का जो जो। लड्डू लड्डू गोपाल लड्डू भाई लाडू, इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा मामा मिल रहा है तुम्हारे? हाँ मुझे तो लग रहा भाई, देखो आंखें भी छोटी छोटी, इसकी भी छोटी छोटी, इनकी आंखें थोड़ी अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसकी भी थोड़ी, इसकी थोड़ी अंदर है, तेरे जैसी है। इसकी नाक भी मामा जैसी, ध्यान से देखो, नहीं ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ बचपन में कैसा था। फटाफट से हम लोग घर देख लेते हैं जिस खुशी में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से एंट्री करते ही फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ये स्टेयर्स जा रहे हैं टेरेस पे और यहाँ से अंदर की एंट्री होती है और राइट साइड में ही एंट्री करते ही यहाँ बालकनी है और उसके बाद ये पूरा लॉबी एरिया है और राइट साइड में है दोनों रूम और लेफ्ट साइड में बाथरूम और उसके बाद किचन है और फ्रंट पे जो वो डोर देख रहे हैं आप, यहाँ पे है बैक साइड की बालकनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना स्पेशल क्यों है ये घर? ये घर इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि जब से दीदी की शादी हुई थी तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती थी अपने सास ससुर के साथ
और उनका एक बेटा है, अब शादी के 15 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से अब जाके फर्स्ट फ्लोर पे ये अपना घर बनवाया है, वो भी खुद से कराया है। यहाँ की एक एक चीज़, चाहे वो विंडो हो, डोर हो, फ्लोर हो या फिर कोई टाइल्स हो, एक एक चीज़ उन्होंने खुद से अपनी चॉइस करके लगाया है और बहुत ही दिल से बनाया है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। हाँ, अभी कुछ इनकम्प्लीट है, ये अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक का काम अभी नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिशियन अभी यहाँ पे आना बाकी है, जिसमें स्विच, फ़ैन, लाइट्स, ये सब चीज़ें अभी भी बाकी हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं बालकनी का व्यू मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब जब खड़े हो और बालकनी बहुत ही प्यारा लग रहा है, फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी है। दीदी का जो भी छोटा सा फंक्शन था वो सुबह 12 बजे से पहले ही कम्प्लीट हो चुका था, लोग खाना वाना खा के सब जा चुके थे, हम दोनों थोड़ा लेट आए थे क्योंकि हम लोगों को सारा दिन स्पेंड करना था साथ में। आ गई दीदी, कौन है? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट है, लाइटिंग वगैरह का काम बचा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यूज़ करने से पहले एक छोटी सी खुशी कर ली है इन्होंने, जिसके लिए तो बस उसी में ही हम लोग आए थे और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब माशाल्लाह से घर भी बहुत अच्छा लगा। अभी तक ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी इन्होंने यहाँ पे बनवा लिया है। और ये है बैक साइड की बालकनी का गेट, यहाँ से ये इनका बैक साइड का गेट। ये देखो कैसा लग रहा है दीदी आपको? बहुत बढ़िया, सारा काम कंप्लीट हो गया है, सुबह से भी थक रही, थकान खत्म है अपना, नहा धो के फ्री हुई है, सारा यहाँ पे सारा खाना वाना हो चुका है, तो अब उसके बाद सारा रेस्ट का टाइम है, अब नहा धो के निकली है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा आराम करेंगे दीदी भी और करेंगे हम लोग बहुत सारी बातें। चलो नीचे, ये देखो ये यहाँ के सो भी गए, आप सो गए, लेटे हैं आप बंद करके, सोए तो नहीं होंगे अभी तो आए ऊपर से। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने पिया थोड़ा सा ठंडा और उसके बाद यहाँ पे सब लोग सो गए थे, और दीदी और हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो हमने खूब सारी की बातें। बन गई चाय? इवनिंग में सो के उठने के बाद यहाँ पे लगी सबको चाय की तलब, तो यहाँ गर्मा गर्म चाय हो गई है बन के रेडी, जो बनाई है अभी ने। आ जाएगा ना? ठीक है, कहाँ जा रहा है? आज का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि इन्होंने चाय के साथ दोबारा से खाना खाया, और दीदी ने घर के लिए पैक करके भी हम लोगों को खाना दिया। उसके बाद हम लोग चले गए टेरेस पे, क्योंकि अंधेरा हो जाता फिर टेरेस का मज़ा ख़राब हो जाता, तो हम लोग फटाफट से पहुंच गए टेरेस पे और टेरेस का भी व्यू देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि ऊपर भी दीदी ने क्या क्या कराया। ये एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और यहाँ पर अभी प्लांटिंग वगैरह और होगी तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। और यहाँ से ये ऊपर एक और यहाँ पर रास्ता है छत पर जाने का, एक छोटी सी छत और भी है यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर ऊपर चढ़ गए। और यहाँ से जो नज़ारे मुझे देखने को मिले ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे पीकॉक थे। बताओ खाना खा लाया? क्या हो गया? Oh my God! कैप्चर करो, उधर चला गया, इधर आ जाता ना पूछ कर कैसे घूमते रहते हैं वहाँ पे मोर, अरे मोरनी, और यहाँ आसपास बहुत सारे मोर हैं, एक मोर वहाँ बैठा है, दो मोरनी यहाँ पर थी और एक मोर वहाँ गया जो होते, और एक ही मोर जो होते हैं उनके पीछे पंख होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो इतनी अच्छी नहीं लगती क्या होता है, मोर को तो अच्छी लगती है। और दिखा दीदी अब साथ लो, मोर को तो अच्छी लगती है, मोर नहीं अच्छी लगती, तो पंख नहीं, जैसे तुम्हारे मोर का, तुम मोर नहीं अच्छी लगती हो, तुम मोर में ये देखो कि मोर, मोर 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 मोर
ये बारिश में तो बहुत ज्यादा आते होंगे। सही फोकस हो रहा है ना, मोर की बात बता रही हूँ। जैसे मोर के पर होते हैं, मुझे लगता था सुंदर वो होता है, तो मोरनी होती होगी वो जो डांस भी करती है। मोर नाचता है, मोरनी नहीं, मोरनी से पर पर। और मोर और मोरनी पे इतनी सारी पीएचडी करने के बाद हम लोग वापस से नीचे उतर गए, क्योंकि हम लोगों को घर भी निकलना था और अंधेरा होने वाला था। ये देखो अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को सी ऑफ करने आए हुए हैं सब लोग, और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया होगा, तो यही वीडियो को करते हैं रैप। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।